तो बच्चों आप लोगों ने जब शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं तो उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा हेडिंग्स नहीं बनानी बहुत ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने टू द पॉइंट रखना है अगर सिर्फ ईयर भी पूछा हुआ है तो ये नहीं कि सिर्फ आंसर में ईयर लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का आखिरी आइन कौन से ईयर में हुआ तो आपने ये नहीं कि सिर्फ 1973 सेवेंटी थ्री लिखनी है बल्कि आपने प्रॉपरली एक सेंटेंस फॉर्मुलेट करके शॉर्ट आंसर्स में लिखना है ऑन द अदर हैंड जब आप लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं उसके अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों ने हेडिंग्स बनानी है ब्लैक कलर से आपने पहले हेडिंग्स बनानी है सारे टॉपिक की उसके बाद आपने उसके जो फिलिंग वाला है वो आपने ब्लू से करना है बच्चों अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगी भी जब हमें हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर हेडिंग्स नहीं हैं और एक हेडिंग के अंदर सारा का सारा कवर होता है इन दैट केस वॉट यू पीपल हैव टू डू कि आप लोगों ने उसके बुलेट पॉइंट्स बना लेने ठीक है उसको बुलेट पॉइंट में वन टू थ्री फोर करके लिख दें या कोई छोटा सा स्टार बना के लिख दें इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन उसमें यह है कि आपके एग्जामिनर को बैठ के पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं पढ़ने पड़ते और टू द पॉइंट आपने क्रिस्प करके लिखना है उसको अच्छी तरह एक एक पॉइंट को एक एक दो दो सेंटेंसेस में कवर कर देते हैं उससे आपके कंपैरेटिवली नंबर जो है बाकी बच्चों से अच्छे आ जाएंगे तो बच्चों लेट्स मूव फोर्थ और अब हम देखते हैं कि डिटेल्ड आंसर्स हमने किस तरह सॉल्व करने तो बच्चों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं राइट डिटेल्ड आंसर्स तो पहला है इसमें नरेट द फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड इट्स ड्यूटीज यानी कि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और उनकी ड्यूटीज़ को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की और जो जो हेडिंग्स इसके अंदर आती हैं आपने उनको फॉलो करना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में आप हेडिंग्स देना भूल गए हैं या आपको याद नहीं आ रही कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स लाए करती हैं या कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं तो आपने क्या करना है कि जो आपको पॉइंट्स याद हैं उनको वन टू थ्री करके या उनको बुलेट्स में बना के उसको प्रॉपरली लिखना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको इसका आंसर तफसील से सुनना है तो आप मेरा लेक्चर जा के देखिए और उसमें आपको सारे हम लोगों ने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सबिलिटीज़ हैं जो ड्यूटीज़ हैं उसको हमने डिस्कस किया है गो एंड लिसन टू दैट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योर सेल्फ और मैं आपको बुक का हवाला भी दे देती हूँ कि ये वाला आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके पेज नंबर ट्वेंटी फोर में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर वन में